hello kids how are you i hope you are fit and fine we have discussed about our school in previous videos today we are going to solve the exercise of this chapter so kids are you ready okay let's start kids your first question is write yes or no against each sentences किड्स इस क्वेश्चन में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग और करेक्ट वाले सेंटेंस के लिए आपको यस yes, राइट right करना होगा और जो सेंटेंस रॉन्ग है उसके लिए नो सो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट इज टीचर डू नॉट प्ले विथ चिल्ड्रेन किड्स क्या ये करेक्ट है क्या टीचर चिल्ड्रेन के साथ प्ले करते हैं no this is not correct so your answer is no your next sentence is children learn many new things in school yes or no cap 9 is using to school me yes this is correct so your answer is yes your next sentence is children learn to share and help others दिस इज़ राइट और नॉट क्या आप स्कूल में शेयर और हेल्प करना सीखते हैं येस दिस इज़ करक्ट योर आंसर इज यस योर नेक्स्ट सेंटेंस इज स्कूल इज़ अ फन प्लेस यस आर नो क्या आप स्कूल में फ़न नहीं करते येस योर आंसर इज येस आप स्कूल में तो बहुत सारा फन करते हैं योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स सो किड्स इस क्वेश्चन में आपको ब्लैंक्स को फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है सो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट सेंटेंस इज़ वी मेक न्यू डैश इन स्कूल और ऑप्शंस आर एनमी फ्रेंड्स सो किड्स हम स्कूल में क्या बनाते हैं येस योर करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स वी मेक न्यू फ्रेंड्स इन स्कूल योर नेक्स्ट इज वी सेलिब्रेट डैश इन स्कूल and your options are festivals anniversary so kids kya celebrate karte hain yes you are absolutely right we celebrate festival in school your next sentence is a library has many dash for us to read and your options are chocolates books yes your correct answer is books योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वी डैश गेम्स इन द प्ले ग्राउंड सो किड्स हम प्ले ग्राउंड में गेम्स को स्पॉयल करते हैं या प्ले करते हैं येस यू आर करेक्ट वी प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड सो यू करेक्ट ऑप्शन इज प्ले योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स थिंक कैन राइट सो किड्स इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा सो फर्स्ट वन इज स्कूल ऑर्गेनाइज मैनी रेसेस फॉर स्टूडेंट्स सम नेम्स ऑफ द रेसेस हैव बीन गिवेन बिलो इन अ जम्बल फॉर्म रीअरेंज द लेटर्स टू फॉम द करेक्ट नेम सो किट्स आपके स्कूल में हम बहुत सारे रेसेस करते हैं ना यहाँ पर कुछ रेसेस के नेम दिए गए हैं जो जम्बल फॉर्म है आपको उसे करेक्ट करना है तो so किट्स आप रेडी रह हो ओके okay. let's start the first one is r o f g dash race so kids ye kaun sa race ho sakta hai yes this is frog race next one is p o a double -T, t o dash race so kids ये कौन सा रेस हो सकता है क्या आप गेस कर सकते हैं Yes, this is पोटैटो रेस नेक्सवन इज डबल ओ एस पी एन चु किट्स क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा रेस है यस दिस इज स्पून रेस वेरी गुड किट्स नेक्स्ट वन इज ई एम ओ एन एल डैश रेस किट्स ये कौन सा रेस है यस दिस इज लेमन रेज वेरी गुड किड्स किड्स अब आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको खुद ही सॉल्व करना है सो लेट्स सी कि करना क्या है इसमें कंप्लीट द पैराग्राफ अबाउट योर स्कूल इस क्वेश्चन में आपको कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे आपको कंप्लीट करना है सो किड्स वी एंड दिस वीडियो हेयर And we'll meet in next video. Till then, bye bye.